नाउ वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रांच. ब्रांच का मतलब क्या होता है? एवरी बिजनेसमैन वांट टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग देयर वॉल्यूम ऑफ सेल. फॉर दिस ही ओपन एडिशनल सेल काउंटर और शॉप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री. बेसिकली अगर देखा जाए तो जो भी कंपनीज हैं या बिजनेसमैन हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उनकी सेल रेवेन्यू इंक्रीज हो, उनका सेल वॉल्यूम बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उनके साथ में ऐड हो. इसके लिए वो कंपनी क्या करती है, कंट्री की अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट में अपने एडिशनल सेल काउंटर ओपन करती है ताकि वहाँ के कस्टमर को अपने साथ में ऐड कर सके. वो आपकी क्या कहलाती है, एडिशनल सेल्स काउंटर, वो आपके क्या कहलाते हैं, ब्रांच. द प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट इज नोन एज हेड ऑफिस. अभी तक जो केवल एक ऑफिस था वो तो आपका क्या है, हेड ऑफिस. अब आपने अलग अलग जगह जो आपने एडिशनल सेल्स काउंटर ओपन किए वो आपकी क्या कहलाती है, ब्रांचेस. फॉर एग्जाम्पल बाटा शू कंपनी एंड रिलायंस इंडस्ट्री. तो बेसिकली मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिन्होंने अलग अलग सिटी में अपनी ब्रांचेज ओपन कर रखी है. लाइक जैसे आईफोन की एप्पल की एप्पल कंपनी की ब्रांचेज है, रिलायंस कंपनी की ब्रांचेज है, सैमसंग कंपनी की ब्रांचेज है. इन सब लोगों ने अपनी ब्रांचेज क्यों ओपन की है, ताकि वो लोग, वो कंपनीज उन दूसरी सिटीज के कस्टमर को क्या कर सके, अपने साथ में ऐड कर सके. नाउ वी डिस्कस टाइप ऑफ ब्रांचेस. बेसिकली यहाँ पे ब्रांचेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, होम ब्रांच एंड फॉरेन सेक्टर ब्रांच. फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं होम ब्रांच की. होम ब्रांच क्या होती है, व्हेन अ ब्रांच इज ओपन्ड इन द सेम कंट्री वेयर द हेड ऑफिस इज रजिस्टर्ड इट इज कॉल्ड होम ब्रांच. जिस कंट्री में आपका हेड ऑफिस है अगर उसी कंट्री में आप अपनी ब्रांचेज ओपन कर रहे हो तो वो क्या कहलाती है, आपकी होम ब्रांच. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका हेड ऑफिस इंडिया में सिचुएटेड है और आप इंडिया की ही सिटी में अपनी ब्रांचेज ओपन कर रहे हो तो वो क्या कहलाती है, आपकी होम ब्रांच. होम ब्रांच को दो टाइप में, दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, डिपेंडेंट ब्रांच एंड इनडिपेंडेंट ब्रांच. फर्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं डिपेंडेंट ब्रांच. नाउ डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब होता है दूसरों पे निर्भर होना. तो ऐसी ब्रांच जो अपने सारे काम के लिए अपने हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट है, अपनी सारी एक्टिविटीज के लिए हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट है, वो क्या कहलाती है, आपकी डिपेंडेंट ब्रांच. डिपेंडेंट ब्रांच का दूसरा नाम होता है कंट्रोलेबल ब्रांच. कंट्रोलेबल ब्रांच मीन्स अ ब्रांच विच डज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम. These type of branches are just like selling agency and normally only sell goods which are supplied by the head office. Basically, अगर देखा जाए तो dependent branch वो ब्रांच है जो अपना खुद का अकाउंट मेंटेन नहीं करती है, वो एज अ एजेंसी काम करती है. जैसे ही हेड ऑफिस से उसको गुड्स मिलता है वो आगे उसको सेल कर देती है. पर डे का जो भी कैश कलेक्शन होता है, चाहे वो कैश में हो या डेटर्स के थ्रू हो, वो अपनी हेड ऑफिस को उसी दिन ट्रांसफर कर देती है और हेड ऑफिस उस ब्रांच के सारे एक्सपेंसेस का पेमेंट करता है. अब यहाँ पे बात आती है कि उस ब्रांच के डे टू डे जो भी नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए हेड ऑफिस क्या करता है, उनको पेटी कैश अमाउंट दे देता है और कंपनी जो भी ब्रांच है वो अपने डे टू डे जो भी एक्सपेंसेस है उनका पेमेंट पेटी कैश में से करती है और उनका डाटा जो भी है पेटी कैश बुक बना के हेड ऑफिस को अवेलेबल करा देती है. वो चाहे एट द मंथ हो सकता है, एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है, या वीकली हो सकता है. तो डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच है जो अपने सारी एक्टिविटी के लिए हेड ऑफिस पे डिपेंड करती है, वो अकाउंट मेंटेन नहीं करती है, वो एक एजेंसी की तरह काम करती है. जैसे ही हेड ऑफिस से गुड्स मिलता है वो मार्केट में उसको सेल करती है, कैश बेसिस पे भी कर सकती है, क्रेडिट बेस पे भी कर सकती है. और यहाँ पे जो डिपेंडेंट ब्रांच है उसकी ड्यूटी होती है कि चाहे वो कैश में सेल करे, चाहे उसको डेटर से रुपए मिले, अमाउंट मिले, पर डे उसको हेड ऑफिस में वो ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं. यहाँ पे ब्रांच के जितने भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं उनका पेमेंट हेड ऑफिस करता है और ब्रांच के जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उनका पेमेंट करने के लिए यहाँ पे जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को कुछ अमाउंट एक साथ दे देता है जिसको हम पेटी कैश बोलते हैं. और पेटी कैश में से वो ब्रांच अपने डे टू डे जितने भी एक्सपेंसेज हैं उनका पेमेंट करती है और पेटी कैश बुक बना के वो सारी डिटेल हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र कर देती है.
तो अभी तक हमने पढ़ा था डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच है जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करती है, जो प्रॉपर अकाउंटिंग फॉलो नहीं करती है, वो सिर्फ लेजर बना के अकाउंट्स को क्रिएट करती है। लाइक वो डेटर्स का लेजर बना देगी, स्टॉक का लेजर बना देगी या एसेट्स का लेजर बना देगी। प्रॉपर डबल अकाउंटिंग सिस्टम, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का उसका काम नहीं है। वो सिर्फ लेजर बना के वो लेजर हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर देती है। लाइक डेटर्स का लेजर हो गया, स्टॉक का लेजर हो गया, पेटी कैश बुक हो गई, इसके अलावा आपके एसेट्स रजिस्टर मेंटेन करके चलती है। इंडिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांचेज होती है जो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करती है। एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट बना के वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस को ट्रांसफर करती है। वो क्या कहलाती है? इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच अपनी एक्टिविटी के लिए हेड ऑफिस पर डिपेंड नहीं होती। वो अपनी सारी एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, एसेट्स, लायबिलिटी की डिटेल बना के एट द एंड क्या करती है? हेड ऑफिस को ट्रांसफर करती है। नेक्स्ट है फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच वो ब्रांच है जब एक कंपनी जिसका हेड ऑफिस एक कंट्री में है और वो दूसरी अनदर कंट्री में हमें ब्रांचेज ओपन कर रहा है, वो क्या कहलाती है? आपकी फॉरेन ब्रांच। फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी का हेड ऑफिस अगर इंडिया में है और आप लंदन, इंग्लैंड, यूएस यहाँ पे अपनी ब्रांचेज ओपन कर रहे हो, तो ये ब्रांचेज क्या कहलाएगी? आपकी फॉरेन ब्रांच। दीज आर सिमिलर टू द इंडिपेंडेंट ब्रांच। फॉरेन ब्रांच आर द ब्रांचेज एस्टेब्लिश इन द कंट्री अदर देन द कंट्री वेयर द हेड ऑफिस इज लोकेटेड। Now we start with the objective of branch. First is to know the nature और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अकर्ड इन द ब्रांच। फर्स्ट हम ब्रांच अकाउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे ब्रांच में कितने तरीके के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, किस किस तरीके के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। सेकेंड, टू नो द कैश पोजिशन ऑफ ब्रांच। हम ब्रांच अकाउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी ब्रांच में कैश कहाँ कहाँ से आ रहा है, कैश कहाँ कहाँ पे जा रहा है, कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। टू नो द इन्वेंट्री लेवल एट ब्रांच। टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ब्रांच। बेसिकली हम ब्रांच अकाउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि हमारी ब्रांच में क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा है, हमने उसको कितनी यूनिट सेल की, हमने उसको कितनी यूनिट सेंड की थी, उसने कितनी यूनिट सेल की और एट द एंड कितना क्लोजिंग स्टॉक उसके पास में है। और साथ ही साथ हम ब्रांच अकाउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि जो ब्रांच हमने एस्टेब्लिश की है वो हमें प्रॉफिट अर्न करके दे रही है या नहीं दे रही है। टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टाफ एट द ब्रांच। यहाँ पे ब्रांच अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव यह भी होता है कि हम ये देख सके कि जो ब्रांच के स्टाफ है उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर ब्रांच प्रॉफिट में जा रही है तो सीधा सा मतलब है कि उनके स्टाफ की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, बट अगर ब्रांच लॉस में जा रही है तो हो सकता है स्टाफ सही प्रॉपर इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है जिस कारण ब्रांच लॉस में जा रही है। To provide corrective suggestion for the improvement in the working of different branch. Basically, branch जब आप एस्टेब्लिश करते हो उसके बाद में आप उसका एनालिसिस करते हो कि हमने ये ब्रांच एस्टेब्लिश की है तो वो हमारे लिए सुटेबल है या नहीं, हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। वो आप कैसे देखते हो कि वहाँ के एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, किस तरीके के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, लिक्विडिटी प्रॉपर है या नहीं है। इन सब चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद में आप ब्रांच में इम्प्रूवमेंट करने के लिए सजेशन भी दे सकते हो कि हम किन किन चीज़ों को फॉलो करें, क्या स्टेप लें ताकि हम ब्रांच को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। विल डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ ब्रांच। ब्रांच कितने टाइप्स की होती है? फर्स्ट, ब्रांच सेलिंग ओनली फॉर कैश। अगर आपने ब्रांच को ऑथोराइज कर रखा है कि आपको जो सेल करनी है वो केवल कैश के बेसिस पे करनी है, ब्रांच सेलिंग बोथ फॉर कैश एंड क्रेडिट। आपने ब्रांच को ये ऑथोराइज कर रखा है कि आप जो भी सेल करोगे वो कैश और क्रेडिट के बेस पे कर सकते हो। गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच एट हायर देन कॉस्ट। जब एक हेड ऑफिस अपने ब्रांच को गुड्स सेंड कर रहा है तो हो सकता है वो उसको कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा प्राइस के ऊपर गुड्स सेंड करें। ब्रांच मेंटेनिंग इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट अकाउंट, जो अपन ये पढ़ चुके हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच की, जो ब्रांच अपने खुद के अकाउंट इंडिपेंडेंटली मेंटेन करके चलती हैं। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जब हम ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आती है जिनको समझना हमारे लिए जरूरी है। फर्स्ट इज इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। जब एक ट्रांजेक्शन दो ब्रांचेस के बिटवीन होता है हेड ऑफिस का, उसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है? इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। जब एक ट्रांजेक्शन दो ब्रांचेस के बिटवीन होता है वो क्या कहलाता है? आपकी इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब इस इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करें? तो इसके लिए हेड ऑफिस को क्या चाहिए कि जिन दो
ब्रांचेज के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है, उन दोनों ब्रांचेज में उस ट्रांजेक्शन की एंट्री कर दें, वो या इसके लिए क्या कहलाता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। गुड्स इन ट्रांजिट एंड कैश इन ट्रांजिट, बेसिकली अगर देखा जाए तो हेड ऑफिस जो अपनी ब्रांचेज है उनको गुड्स सेंड करता है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर, और हम ये कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग फाइनल अकाउंट, अगर आपको वो गुड्स नहीं मिला है तो वो गुड्स क्या कहलाता है, गुड्स इन ट्रांजिट। उसी तरीके से जितनी भी ब्रांचेज हैं वो सारा का सारा कैश अपने हेड ऑफिस को सेंड करती है, तो वही कंसेप्ट ये अप्लाई करना है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, या हम ये कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग फाइनल अकाउंट, अगर हेड ऑफिस को वो कैश नहीं रिसीव हुआ है जो ब्रांच ने सेंड किया था, तो वो क्या कहलाता है, कैश इन ट्रांजिट। लोडेड प्राइस, लोडेड प्राइस का मतलब है कि हेड ऑफिस किस प्राइस के ऊपर गुड्स ब्रांच को अवेलेबल करा रहा है, ये कॉस्ट प्राइस पे भी हो सकता है, इनवॉइस प्राइस पे भी हो सकता है। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है, वो ब्रांच जो अपना अकाउंटिंग खुद कंपाइल करके हेड ऑफिस को अवेलेबल कराती, जबकि इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या है, वो ब्रांच जिसकी अकाउंटिंग का काम किसके पास है, हेड ऑफिस के पास में। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच के लिए अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पे तीन मेथड है, डेटर सिस्टम, फाइनल अकाउंट सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। डेटर सिस्टम में क्या होता है, डेटर सिस्टम उन ब्रांचेस के लिए बेनिफिशियल है जो स्मॉल लेवल पे काम कर रही है। अंडर दिस मेथड हेड ऑफिस प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट सेपरेटली फॉर द ईच ब्रांच, एंड ब्रांच अकाउंट इज द नॉमिनल अकाउंट विच शोज द प्रॉफिट और लॉस मेड एट अ ब्रांच। बेसिकली डेटर सिस्टम में क्या होता है, वो ब्रांचेस जो स्मॉल लेवल पे काम कर रही है उनके लिए डेटर सिस्टम फॉलो किया जाता है। इसमें ब्रांच को एक नॉमिनल अकाउंट माना जाता है और ये देखा जाता है कि ब्रांच में कितना एक्सपेंसेस हुए, कितने रेवेन्यू आए और उसका नेट रिजल्ट प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। नेक्स्ट इज फाइनल अकाउंट सिस्टम। अंडर दिस मेथड प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय ब्रांच इज फाइंड आउट बाय प्रिपेयरिंग द ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस मेथड में क्या होता है, जो हेड ऑफिस होता है वो हेड ऑफिस ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाता है और ये चेक करता है कि नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है। लास्ट मेथड इज स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। अंडर दिस मेथड ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ब्रांच आर रिकॉर्डेड इन द हेड ऑफिस बुक। कि ब्रांच से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है उनकी अकाउंटिंग एंट्री हेड ऑफिस की बुक में की जाएगी। गुड्स आर सेंड बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। हेड ऑफिस जो ब्रांच को गुड्स भेजेगा वो किस प्राइस पे भेजेगा, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। स्टॉक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, पेटी कैश बुक अकाउंट एंड अदर अकाउंट आर मेंटेन इन दिस मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जो हेड ऑफिस होता है वो ब्रांच का डेटर अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, पेटी कैश बुक अकाउंट और इसके अलावा अदर कुछ और अकाउंट्स होते हैं जिनको मेंटेन करके चलता है और ये पता लगाता है, फाइंड आउट करता है कि ब्रांच प्रॉफिट में जारी है या लॉस में जारी है। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी एंड आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद माई डिजिटल सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व इट।